ही दबाते हैं और देखते हैं कि वाओ माय गॉड, सारी गाड़ियां यहीं पे हमारी उड़ गई जो हमने अभी स्पॉन की थी। तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बारी फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज की हमारे वीडियो में हम फ्लैश का मॉड टेस्ट करने जा रहे हैं। और वो अरे मामा जी आराम से भाग लीजिए, इतनी जल्दी भी क्या है। तो लीजिए भाइयों, आज की वीडियो में हम टेस्ट करने जा रहे हैं फ्लैश का मॉड सुपर सोनिक इंसान, जिसकी स्पीड की दाद देनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, मैं इतनी तेज भागता हूँ कि मैं लिटरली हवा से बातें कर सकता है ये इंसान। वाह कितना तेज भाग रहा है। और अभी ये लुमड़ी बहन कहाँ पे जा रही हो यार, हमारी स्पीड की तो बच के नहीं जा सकती यार। आखिरकार दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंसान है ये फ्लैश, और अभी जब मैं भाग रहा हूँ तो मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा, तो ये नॉर्मल स्पीड है इसकी। और जैसे ही अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये हवा से बातें करने लग पड़ता है यार। तो वो भी टेस्ट करेंगे। और ये था चक्रव्यूह फ्लैश का। तो ये सारी फ्लैश की पावर्स हैं, तो बहुत सारी पावर्स हैं इस बंदे के इंसान के अंदर यार। और जैसे ही आगे बढ़ता है और पीछे से चिंगारियाँ निकलती हैं तो देखने में यार बहुत हसीन लगता है, बहुत मस्त लगता है यार ये फ्लैश बंदा। वाह कितना तेज भाग रहा है यार, इतना तेज भाग रहा है कि मैं तो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा कि मैं कहां पे जा रहा हूं, कहां पे देखना है। और वो सुपरसोनिक स्पीड हमने एक्टिवेट कर दी है। वाह अरे बाप रे, आराम से, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये भागने के साथ साथ लॉन्ग जंप मतलब कि हाई जंप भी मारता है यार। दिस गाय इज सुपर फास्ट। मुझे नहीं लगता कि GTA 5 अरे ट्रक वाले भाऊ, मरने वाले काम मत करा कर, ट्रक वाले भाऊ हट जा सामने से, देख नहीं रहा मैं कितनी तेजी से साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में या GTA 5 में या किसी मतलब कि कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि इससे तेज कोई ना कोई भागता होगा। आई थिंक दिस गाय इज दी फास्टेस्ट गाय इन एनीवेयर। कितना तेज भाग रहा है यार, तो मुझे लग रहा है कि अगर इतनी तेज भागेगा तो उसको पानी में भी चल सकता है। तो लीजिए GTA 5 का समंदर हमारे सामने है और आते ही छलांग मार दी पानी के अंदर। वो we are literally running on water, पानी के ऊपर जा रहे हैं यार। और सामने मौसम देखिए, लाल रंग की परछाई, लाल रंग की शैडो, शाम की शैडो पानी के ऊपर बढ़ रही है। तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, ये फ्लैश के ऊपर पूरे चार चांद लगा रही है यार ये शाम का सूरज। और उसको छोड़िए सूरज को, ये देखिए कि हम बिल्कुल पानी के ऊपर, वाओ पानी के ऊपर भाग के हम हाई जंप भी मार सकते हैं यार। दिस गाइस इज सो मच फन। तो अभी मैं सुपरसोनिक बूस्ट में एक्टिवेट नहीं किया, ये मेरी नॉर्मल भागने की स्पीड है। तो ये है मेरी नॉर्मल स्पीड, और जैसे ही मैं भागना बंद कर देता हूँ तो वैसे ही तुरंत हम पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो ये है मेरी नॉर्मल स्पीड। वाओ तो गाइस दिस फ्लैश पर्सन इज सो मच फन यार, बहुत दिलचस्प इंसान है हमारा ये फ्लैश। तो चलिए रोड को फॉलो करते हैं, और आपको जान के आपको वैसे पता ही होगा कि ये रोड डायरेक्टली हमें मिलिट्री बेस के अंदर लेके जाएगा। तो चलिए और कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मिलिट्री वालों से पंगा लेते हैं, ये बहुत टेंशन मारते हैं जब हम बाय बाय ट्रक वाले। ओह माय गॉड, पूरा ट्रक ही मैंने इसका फोड़ दिया यार। तो लीजिए भाई, बिल्कुल हमारे सामने है मिलिट्री बेस, और हम मिलिट्री बेस के अंदर हम आ चुके हैं। तो मिलिट्री वालों जहाँ भी सो रहे हो जाग जाइए, क्योंकि हमारा महान फ्लैश आ चुका है मिलिट्री बेस में यार। सबसे पहले हम अपना पूरा गुस्सा मिलिट्री बेस की जीपों के ऊपर उतारेंगे। और ये बंदा, अरे तू मुझे शॉटगन से नहीं मार सकता, तुझे सब जमीन के अंदर मैं गाड़ दूंगा, तू कहाँ जा रहा, तू भी इधर आ। तो लीजिए भाई, इसको भी जमीन के अंदर हम गाड़ देते हैं, वो भी जिंदा, लिटरली जमीन के अंदर हम जिंदा बंदों को गाड़ रहे हैं। और बंदे ही नहीं, पूरी बड़ी बड़ी जीप्स हम जमीन के अंदर गाड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली पावर हम ट्रस्ट करते हैं, जिसका नाम है जमीन के अंदर गाड़ू पावर। तो देख लीजिए ऐसा मुक्का मार रहे, ओए हेलो कैसे हो, अरे अरे टैंक को, क्या हम टैंक को जमीन के अंदर गाड़ पाएंगे। अब तेरे हॉर्न बजाने से क्या होगा टैंक वाले भाव, पूरा टैंक जमीन के अंदर गड़ चुका है, तो वो हिल भी नहीं पाएगा। पूरा टैंक हमने जाम कर दिया। मैन दिस गाइस सो मच फन। तो ये है सबसे पहली पावर, जमीन के अंदर गाड़ू पावर, जो कि इंसान को, गाड़ी को, किसी को भी पकड़ के वो जमीन, अरे क्या कर रहा है, भंगड़े मत कर गाड़ी के ऊपर बैठ के, ओह माय गॉड। तो ये है सबसे पहली पावर जो कि किसी को भी जमीन के अंदर गाड़ सकती है। वो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये पावर एकदम झकास है यार, एकदम एकदम फाड़ू पावर। तो अरे हम हाइड्रो,
ये हम जहाज भी चला रहे हैं। तो लीजिए भाइयों, फ्लैश दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बंदा, सबसे फास्टेस्ट प्राणी प्लेन चला रहा है और हाथ ही हमारे ऊपर हमला कर दिया ये मिलिट्री वाले मुस्टंडों ने। तुम्हारी खैर अभी नहीं है, तुम्हारा मिलिट्री वाला बेस मैंने अभी तहस नहस कर देना। अब तुम्हें जान के खुशी होगी कि बेवकूफों, कमीना इंसान, मेरे पास फ्लैश है, तुम किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? अरे बामा जी, इतनी तेज तेज मुके मत मार, वो टैंक है, हार्ट टूट जाएगा तेरा। अरे हार्ट, ओए उसको कुछ हुआ भी नहीं यार, तेरा हाथ टूट जाएगा, लोहे का आर्मर है उसका, मामा जी लोहे का आर्मर है। तो चलिए, सभी टैंक नहीं टूटते, लेकिन ये जीप स्लो मोशन में मुक्का मारा, पूरा बम्पर ही उखड़ गया गाड़ी का। तो चलिए दूसरी पावर देखते हैं। दूसरी पावर है टोर्नेडो। तो ये है हैंड, ओए क्या बात है यार, ये क्या हवा फेंकू टोर्नेडो हम मार रहे हैं। तो इस पावर का नाम है हवा फेंकू टोर्नेडो। तो लगता है ये टाइटन के ऊपर काम नहीं करेगा। ओए कौन है ये? अरे बाप रे, हम टाइटन को भी अपनी जादुई हवा की पावर से उड़ा रहे हैं। वाओ, दिस गाय इज सुपर सुपर फन, क्या बात है यार, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं इस गाय के अंदर, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। तो अपने मॉड मेन्यू के एक काम करते हैं, हम कहाँ पे हैं पहले मैं देख लेता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत मिलिट्री वालों से बंगे लेते हैं, मिलिट्री वाले बहुत टेंशन मारते हैं आजकल। ये मिलिट्री वाले जो हैं, इनका बजट जो है बढ़ चुका, तो ये बहुत बड़े बड़े टैंक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी किसी से काम नहीं है यार। हम अपना हवा फेंकू टोर्नेडो मार के सबको उड़ा देंगे, सबका खात्मा यहीं पे कर देंगे। भाग जाओ, किसी में भी दम नहीं है हमारे पास आने का, भाग जा जीप वाले, टायर निकाल देंगे तेरे मैंने। तो ये टाइटन को हम वहां से, ओए हेलो, फट गया यार, ओह माय गॉड यार, ये बहुत ज़बरदस्त पावर है यार, ये पावर तो एकदम धमाल है यार, किसी चीज़ को भी उड़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पावर की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है बिजली फेंकू पावर। वो वो अरे हाथ से बिजली फेंक रहा है, नॉर्मली मैं देखता हूँ कि बिजली हमेशा, अरे बाप रे, पूरे टैंक को फोड़ दिया इसने, करंट मार मार के पूरा टैंक ले गया यार ये। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि हमारी बिजली जो है आसमान से गिरती है, बिजलियों बल्बों में से आती है, लेकिन ये पहला बंदा है जो हाथ से बिजली पकड़ के मार रहा है एकदम बढ़िया। तो चलिए मिलिट्री बेस से निकलते हैं यार, मिलिट्री वालों को मैंने बहुत तंग किया यार, मिलिट्री वालों की मैंने सही वार लगा दी। तो चलिए बड़ी ही ज़्यादा स्पीड के साथ हम अभी बढ़ रहे हैं GDF5 के लॉस एंजेलोस की दुनिया में। अरे ये क्या बात है, ये पहाड़ के ऊपर भी चल रहा है यार, मैं कितना तेजी के साथ भाग रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरी गेम किसी भी टाइम ग्लिच या किसी भी टाइम क्रैश हो सकती है, कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है यार। ये गेम वाले भी सोच रहे होंगे, ये मतलब कि ये गेम के मैकेनिक, हेलो GTA की सिटी, तो ये गेम के मैकेनिक भी सोच रहे होंगे कि एक बंदा कितनी तेजी से यहाँ से वहाँ कैसे आ सकता है, तो तभी ग्लिच होना मुनसिब है यार। राइट नाउ वी आर इन द सिटी, हेलो, सबसे पहले चिट्टी गाड़ी वाले, सबसे पहले तेरा, सबसे पहले सबका गुस्सा मैं तेरे ऊपर उतारूंगा, तूने बहुत ठोकम ठोकी की। ओए ये क्या था, ओह माय गॉड यार, इस गाड़ी, इस बंदे के अंदर बहुत सारी पावर है, मैंने किया कैसे वो यार, मैं मुक्के मार रही, ओए बिजली फेंकू यार, ये मस्त है बिजली फेंकू पावर। तो ये बिजली फेंकू मेरे ख्याल से ये करंट फेंक रहा है अपने हाथों से, करंट मार रहा है, ये हो सकता है। बिजली फेंकना तो मतलब कि बच्चों का खेल तो नहीं है, लेकिन पावर्स तो इस बंदे के पास बहुत हैं। तो लीजिए एक बार फिर से बिजली फेंक के हमने वाइट गाड़ी वाले का कच्यूमर कर दिया यहीं पे। वो आई एम इन लव विद दिस गाइस, जिसने भी ये मॉड बनाया, अगर आपको हिंदी आती है तो ब्रो बहुत सही काम किया आपने यार, ये बहुत ज़बरदस्त मॉड है यार। और अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, ब्रो यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब, दिस इज द बेस्ट मॉड आई एवर कम अक्रॉस। तो लीजिए वो ये मैं कैसे कर रहा हूँ यार, ये मोटे मोटे मुक्के मैं कैसे मार रहा हूँ। अभी आइए पुलिस हमारे कब्जे में, अभी आइए, अभी यहाँ पे घूम के ना हम यहाँ पे टोर्नेडो बना देंगे, सबको टोर्नेडो बना के यहीं पे उड़ा देंगे। तो वो मैं कितनी तेजी के साथ यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ यार, व्हाट द हेल, मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ पे है। और इसके बाद हमारा टोर्नेडो की पावर आती है, तो अगर हम ई दबाते हैं, अबे परे हो जाओ, वी कैन डू अ टोर्नेडो, क्या खतरनाक चीज है यार, ये टोर्नेडो भी बना सकता है अपना। तो लीजिए, तो टोर्नेडो के डायरे में जो भी आएगा, मतलब टोर्नेडो के कब्जे में जो यार मस्त चीज है टोर्नेडो यार, तो देखने में यही आया है कि टोर्नेडो के कब्जे में जो भी आएगा, टोर्नेडो के शिकंजे में जो भी आएगा, तो वो घूम घूम के पता नहीं सिटी के कौन से शहर में गिरेगा। तो मेरे पास भाइयों अपना एक मॉड है, तो काम करते हैं हम बहुत सारी गाड़ियाँ स्पॉन करते हैं। तो लीजिए मैंने बहुत सी गाड़ियाँ स्पॉन कर दी और इसके ऊपर हम टोर्नेडो मारते हैं, तो क्या हमें ये गाड़ियाँ
पता नहीं इस गाड़ी को क्या हॉल होने वाला, तो चलिए बाहर निकलते हैं। कमल एस्केलेटर वो बहुत ज्यादा तेज है यार, ये फ्लैश बंद, तो चलिए ईद बातें और देखते हैं कि वो माय गॉड सारी गाड़ियां यहीं पे हमारी उड़ गई जो हमने अभी स्पॉन की थी। माय गॉड सारी गाड़ियां उड़ चुकी हैं, डैम दिस गाय इज सो पावरफुल, इसका टोर्नेडो मोड तो एकदम जब अपे परे हो मुक्के घुसुंड करने वाले, काम मत करा करो मेरे सामने। एक बार फिर से हम ये गाड़ियां स्पॉन करते हैं और इस बार हम यूज करेंगे अपना वो हाथ वाला टोर्नेडो जो हाथ घुमा के मारता है। 10 बारी मैंने अपने हाथ घुमाए और कभी ऐसा टोर्नेडो नहीं निकला जैसा ये टोर्नेडो ये फ्लैश वाले भाऊ मार रहे हैं। तो राइट लेट्स हैव अ लुक एट द हैंड टोर्नेडो। इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा यार, वो असली टोर्नेडो बहुत बढ़िया जो हमारा घूम घूम के मारता, तो और ये जो हाथ वाला टोर्नेडो है ये ऊपर नहीं मार रहा, तो ये सिर्फ नीचे ही मार रहा है। मैं सोच रहा था कि हाथ वाले टोर्नेडो के साथ मैं अपनी ये प्लेन को कब्जे में ले लूँगा, लेकिन ये प्लेन सर के ऊपर मक्खियों का डरा मंडरा रहा है और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं इसी की तरफ देख के पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है मैं लॉस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं अगली पावर के ऊपर चलते हैं। और ये है फ्रेज पावर, तो इसका मतलब ये कुछ खास पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो लोग वगैरह आपको रास्ते में, अबे रुक तो सही ना, मैं पावर टेस्ट कर रहा हूँ मामा जी कितनी गोलियाँ मारेगा। तो इस पावर का मतलब सिंपल है, तो आप जो जो GTA 5 की जो लोग हैं आप इनके बीच में से निकल सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप भागते हो इस पावर को बिना अनेबल किए तो आप टकरा जाओगे। फेस कार का मतलब है, तो ये गाड़ियां जो खड़ी हैं आप गाड़ियों के अंदर में से निकल जाओगे, तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, तो आपको टक्कर नहीं खानी पड़ेगी और बिल्कुल गाड़ियों के अंदर से निकल के आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप मंजिल तक पहुँचे भी नहीं हो तो किसको क्या प्रॉब्लम है यार, 5 मिनट के अंदर ये बंदा पूरी दुनिया का चक्कर 3 बारी काट लेगा, तो बिल्कुल लेट होने की जो संभावना बिल्कुल पैदा ही नहीं होती। और ये हम कहाँ घुस गए यार, ओह माय गॉड मेरी गेम क्रैश हो चुकी है, डैम दिस फ्लैश मॉड। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, एक बार फिर से मुझे गेम को रीस्टार्ट करना पड़ा और बिल्कुल पुलिस के शिकंजे के अंदर हम मौजूद हैं, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये है अवॉइडिंग बुलेट्स, तो इस पावर को एक्टिवेट करते ही आपको बुलेट्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन टेंशन किसको है बुलेट्स खाने के यार, हम फ्लैश हैं यार, हम बुलेट से भी ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, तो हमें बुलेट खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। वी कैन लिटरली रन faster than the bullet। हम ये क्या कर रहा है, हमारा बंदा अटक चुका है यार, एक बारी फिर से गेम क्रैश, लेकिन कोई बात नहीं, एक बारी फिर से हम टोर्नेडो मारते हुए गेम को रिस्टार्ट करते हुए GTA 5 की सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। और 5-star पुलिस हमने जहां से छोड़ी थी ठीक वहीं से हम कंटिन्यू रखेंगे। और वो कितना तेज भाग रहा है यार, अरे फ्लैश मामा जी इतनी तेज मत भागया करिए, चक्कर आ जाएंगे, अबे चक्कर आ जाएंगे, आपको तो चक्कर नहीं आएंगे, हमें चक्कर दिला दिला के हम सबको घनचक्कर बना दोगे यार आप लोग तो। तो फ्लैश भाव के अंदर एक दूसरी पावर भी है जिसके अंदर आप बिल्डिंग के अंदर से भी मतलब कि भाग सकते हैं, तो कोई रुकावट नहीं होने वाली। और केक हाँ चले गए, Where the hell is he going? अबे बामा जी बाहर आ जाइए, हमें बाहर जाके पुलिस को मारना, धरती के नीचे कुछ भी नहीं है, बाहर आके मस्ती मारिए। तो इस पावर के अंदर से मतलब कि इस पावर की मदद से आप बिल्डिंग्स के अंदर भी घुस सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पावर को अनेबल करें, क्योंकि जब टोर्नेडो वाली पावर है तो और कोई पावर का इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैन दिस टोर्नेडो पावर इज सुपर अमेजिंग यार, टोर्नेडो वाली पावर तो एकदम झकास है यार। तो बिल्डिंग वाली पावर आप यूज़ करोगे तो गेम के ग्लिच होने की संभावना या पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। और बिल्डिंग वाली पावर में कुछ रखा भी नहीं है यार, बिल्डिंग सारी अंदर GTA 5 की सारी अंदर से खोखली है, सारी बिल्डिंग GTA 5 की अंदर से खाली है, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के टेंशन मार रहे हैं। और ये मैंने एक नई पावर डिस्कवर किया यार, मैंने पुलिस वाली गाड़ी को कितना खतरनाक मुक्का मारा, बिल्कुल अरे मैंने कैसे किया यार वो मुक्का, मैंने कैसे मारा एक बार फिर से बताइए। तो ई दबा के आप ये पावरफुल मुक्का मार सकते हो। और मैंने अभी एक और चीज नोटिस की है कि आप बिल्डिंग के ऊपर भी भाग सकते हो, कैन यू बिलीव दैट, आप बिल्डिंग के ऊपर भी। पर हम मारा पुलिस वाली गाड़ी, फिर कहते हैं यार तू भी आ जा, तू भी आ ले 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 कर लो बात, 400 बंदे मैंने पुलिस के मार दिए और अभी तक इनको कमीने को अकल नहीं आई है, बहुत टेंशन मार के गोली मार रहा, सबर कर तेरी मुँह को और मैंने घुसने मारनी है पड़ी ना, तू भी आ, तेरे को तो पीछे से मैं घुसन मारूंगा, हेलमेट समेत तेरा मैंने मुंह तोड़ देना, जानता नहीं है भाई हम फ्लैश हैं। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि ये बंदा बिल्डिंग के ऊपर भी जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि हम रात के अंधेरे में मतलब कि शाम के अंधेरे में धूप मतलब सेंक के मतलब फ्लैश को खेल रहे हैं, वो इसलिए कि शाम के अंदर आप फ्लैश का पूरा लाइट वगैरह जिसकी होती है जो चिंगारियाँ निकलती हैं पूरा भरपूर तरीके से आनंद ले सकते हो। रात में बहुत रात हो जाएगी और दिन में तो ये लाइट जो चिंगारियाँ निकल रही हैं ये दिखेंगे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम बिल्डिंग के ऊपर भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। पानी के ऊपर तो जा सकते हैं, मैंने एक्सीडेंटली अभी नोटिस किया कि बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ सकता है। राइट
जरा पीछे से आके यहाँ से अगर मैं हाई जंप, अरे यार ओके एक काम करते हैं, पीछे से आके हाई जंप मार के सीधा बिल्डिंग के ऊपर। वो वीकन तो लीजिए भाई, हम बिल्डिंग के ऊपर भी भाग रहे हैं और बहुत ही फुर्ती के साथ हम मेज बैंक के ऊपर चढ़ रहे हैं। व्हाट तो लीजिए बिल्कुल मेज बैंक के ऊपर, जहाँ पे मेज बैंक का लोगो है ठीक वहीं पे खड़े हैं। तो यहाँ मैं हवा के अंदर भाग रहा हूँ यार ये बंदा कितना तेज है, इतना तेज है कि पानी पे भाग रहा चलो मान लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर भाग रहा चलो वो भी मान लेते हैं, लेकिन हवा के ऊपर कौन भागता है यार। वाकई में ये बंदा बिल्कुल हीरो है यार, बिल्कुल एकदम मस्त क्वालिटी का हीरो बना के दिया है हमें, फ्लैश हीरो यार। बिल्कुल हवा के ऊपर कौन भाग रहा है यार, सबसे बेस्ट पावर मुझे लगा था टोर्नेडो होगी, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट पावर है हवा के ऊपर भागना। चलिए अभी हम, मुझे पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं, काम करते हैं ये जो हमारा सुपर पंच है ना, जो हमने ई दबा के पुलिस को मारते हैं, मतलब कि पुलिस की गाड़ी एक मुक्के में ढेर जब हो जाती है तो ये जो सुपर पंच है तो ये हम ट्रेन बहन के ऊपर टेस्ट करेंगे। ट्रेन बहन एक बार फिर से तेरी शामद आने वाली है, लेकिन ट्रेन बहन भी कम नहीं है, वो भी कहती है आ जाओ देखी जाएगी, सबको देखी जाएगी, सबको लिपट लेगी। बहुत खतरनाक है और बहुत डेंजरस है हमारी ट्रेन बहन, सबको एक मुझे नहीं लगता कि ये हमारे फ्लैश भाऊ जो हैं ट्रेन बहन को मुक्का मार के उसको पटरी से गिरा पाएंगे। मुझे लग रहा है लॉगिन ने ट्राई किया था और वो भी उसको भी नाकामयाबी का सामना करना पड़ा, लेकिन हम भाई हमारे तो बात ही निराली है यार, हमें भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कि हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे फ्लैश भाऊ ट्रेन को एक बार फिर से पटरी से नीचे गिराने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा हूँ यार मैं, बहुत बहुत, अगर स्पीड के बारे में बात करें तो आई विल डेफिनेटली मैं ट्रेन से ज़्यादा तेज हूँ, और किसकी बात कर रहे हो, और आते ही हमारे सामने ट्रेन बहन आ चुकी है। तो ट्रेन बहन कैसी हो, कैसी हो? तो सबसे पहले हम ट्रेन बहन से रेस लगाएंगे और मुझे पूरा दावा के साथ पता है कि हम ट्रेन बहन से सुपर फास्ट हैं अरे ट्रेन बहन से तो हम ज़्यादा तेज़ वॉकिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए सुपर मुक्का मारते हैं। ओए मेरा हाथ तोड़ दिया ट्रेन ने, अरे क्या कर रही है एक बार फिर से ईद पाते हुए सुपर मुक्का कुछ असर ही नहीं हो रहा ट्रेन बहन को। एक काम करते हैं यहाँ पे टोर्नेडो मारते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि टोर्नेडो के चुंगल में आके ट्रेन बहन बिल्कुल पटरी से उतर नहीं जाएगी। यार ये क्या कर रही है यार, ये पटरी से उतर जा पूरी बेवकूफी वाली, काम मत कर, बेइज्जती हमारी मत करा, देख हमारी बहुत इज्जत है GTA की सिटी में, पूरी फलूदा बना दिया तूने बे हमारी इज्जत का। अरे हट जाओ यार, गाड़ियां भर सफर करो, तुम्हारे ऊपर मैं सुपर मुक्का मारता हूँ, तू भी सुपर मुक्का खाएगा, तू बहुत टेंशन मार रहा ना तू। ये काम करता हूँ पुलिस की गाड़ियाँ आने दो, जब ये सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी ना तो सब के ऊपर मैंने सुपर अरे एक पावर तो हमने टेस्ट भी नहीं की, घुसंड पावर। वाओ वाओ, अरे अरे मर जाएगा वो आराम से, आराम से मर जाए। वो कितने मुक्के खाने पड़े बेचारे को हमारी वजह से, तू भी ले। अरे बाप रे बाप, कितना खतरनाक कॉम्बो वाला मुक्का यार, मुझे समझ में नहीं आ रही कि लात मार रहा कि मुक्के मार रहा या दोनों मार रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही यार। मैं ये हेलीकॉप्टर वाले भाऊ को ये घुसुंडो वाली पावर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक हमारी घुसुंड पहुँच नहीं रही है। ये ले रसिया बांध के नीचे आ रहे हैं, हाँ जाओ तुम भी नीचे आ जाओ, यहाँ पे जलेबियाँ बंट रही हैं, आ जा, आते ही तेरे ऊपर मैंने घुसुंडो वाली आतिशबाजी कर देनी। ये ले पता नहीं कितने मुक्के मार रहा हूँ और वो भी कितने प्यार से मुक्के खा रहा है यार तू भी जाएगा, तू भी आ। बढ़िया रसिया बांध के नीचे आ रहे थे हेलीकॉप्टर से, रसिया बांध के नीचे आ रहे हैं, अब इनको लगता है कि यहाँ पे जलेबी बन रही हो रही है, मैं ये रह गए हम खा गए। तो लीजिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पे बहुत हो चुकी है और यहाँ पे हमने एक पावर टेस्ट नहीं की, हार्ट अटैक। वो ये क्या कर रहा है, व्हाट यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही डिस्कस्टिंग पावर है उसके, मतलब कि ओ उसके बॉडी में से हार्ट डाल के उसका हार्ट निकाल रहा है यार। वो नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही, तू कहाँ जा रहा है तू कहाँ लेके जा रहा अपने बंदे को इतनी बमबारी हो रही है, ये कहते चलो अपने मैं अपने भाई को बचा के ले जाऊंगा, मैं अपने भाई को बचा के ले जाऊंगा, लेकिन नहीं तू भी जाएगा, तेरा भाई भी जाएगा, तूने हमारे ऊपर बहुत सारी गोलियां मारी, इसका बदला तो तुझसे दोनों से लेंगे, पूरी पुलिस फोर्स से हम इसका बदला लेंगे। तो चलिए आखिर में यहाँ पे टोर्नेडो मार के सबको उड़ा देते हैं। तो लीजिए सबको मौका मिल रहा है हवा से बातें करने का, फिर मत कहना कि आपने हवा से बातें करने का मौका नहीं दिया फ्लैश वाले भाऊ। ओके तो दूसरी पावर एक बारी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, अगर मैं मैप खोलूँ तो मिलिट्री बेस में पूरा मैप का चक्कर काट के यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए एक बारी फिर से हमने स्पीड पकड़ रही है और सड़क के ऊपर हवा की तरह भाग रहे हैं और इतनी तेज़ भाग रहे हैं कि हमारे पीछे पूरी चिंगारियों की बौछार, मतलब कि पूरी सड़क के ऊपर आग ही लग चुकी है। अरे हर उत्तरी
सॉरी ट्रक वाले भाऊ, मुझे नहीं पता था कि तुझे मुक्का इतनी तेजी के साथ पड़ेगा कि तू पूरा मैप से बाहर ही निकल जाएगा। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, बिल्कुल पहाड़ी इलाके में से निकलते हैं। लेकिन देखा जाए तो यार पहाड़ के ऊपर भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। नॉर्मली पहाड़ के ऊपर जाओ तो ये बाकी के सुपर हीरो जो हैं यहाँ वहाँ फंस जाते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेरहमी के साथ आगे बढ़ रहा है यार, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। देखो कैसे पहाड़ के ऊपर जंप करते हुए, यहाँ वहाँ जंप करते हुए, एक वो ये पानी आ गया शिट, लेकिन कोई टेंशन ही नहीं है, पानी के ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से जंप करते हुए कोई रोक नहीं सकता इस बंदे को। भाई जिस बंदे का नाम फ्लैश है तो उसको रोकना भी बेवकूफ़ी होगी यार। फ्लैश और हवा और नदी के पानी और समंदर के पानी को रोकने एकदम बेवकूफ़ी है, और जो भी इस पानी को रोकेगा उसी के टोर्नेडो में आकर यहीं पे फंस जाएगा। तो लीजिए भाई एक बार फिर से मिलिट्री बेस के अंदर, हम चुटकियों के अंदर हम पहुंच चुके हैं। आई थिंक नॉर्मली 30 सेकेंड्स हमें लगे, वो कितनी दूर चके गिरा, तो आई थिंक 30 सेकेंड्स के अंदर हम मिलिट्री बेस के अंदर हम पहुँच, अरे कितने बंदे मारोगे बोल ले दो। 30 सेकेंड्स के अंदर मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर नॉर्मली अगर हाइड्रो लेके आओ या पैदल आओ तो आपको एटलीस्ट 5-6 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 30 सेकेंड्स का पूरा डिस्टेंस हमने, नहीं 6 मिनट का पूरा डिस्टेंस हमने 30 सेकेंड में पार कर लिया, और इससे यही साबित होता है कि यह बंदा वाकई में बहुत फास्ट है। दिस गाय इज सुपर सुपर टैंक वाला, टैंक वाले को सुपर सोनिक मुक्का, क्या बात है पूरा टैंक ही पलट दिया हमने। एक बार फिर से मैं ट्राई करूंगा कि ये टैंक वाले को सुपरसोनिक मुक्का कैसे पड़ेगा, तो ये ट्राई करना बहुत ज़रूरी है हमारे सामने। आ जा तू, ये गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं, ले गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्लैश को मार दोगे हैं? चिंदी चोर हैं सारे, तुम्हें क्या लगता है तुम फ्लैश को मार दोगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर क्या? ये टैंक वाले भाऊ कहाँ चले गए इतने सारे? ये रहा, हेलो मामा जी, बिल्कुल इसी पोजीशन में आपने खड़े रहना, और हमारा मुक्का और ये रेडी। वाओ, पूरे एक मुक्के में टैंक को उसने घायल कर दिया, एक ही मुक्के में। और भाइयों मैंने दूसरी बार नोटिस किया कि इसका जो पावर है, इसकी जो मतलब कि सुपर पावर्स हैं, वो प्लेन्स हेलीकॉप्टर हाइड्रा वगैरह के ऊपर असर नहीं कर रही, क्योंकि वो उधर एम ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन ओवरऑल दिस मॉड इज़ सुपर कूल यार, बहुत ही ज़बरदस्त मॉड बनाया है मॉड बनाने वाले ने यार, एकदम छा गए यार एक बार, इस बार तो गुरु आप छा गए। तो चलिए गाइस, दैट इज ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।